उल्फत को मोहब्बत को सदा क्यों नहीं देते, उल्फत को मोहब्बत को सदा क्यों नहीं देते, नफरत को जमाने से मिटा क्यों नहीं देते। हर रात गरीबों का लहू जलता हो जिसमें, तुम ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। ये सोच और ये फिक्र सूफिया इकराम लोगों में फ्री में तकसीम करते हैं। अब जरूरत है कि सोच और फिक्र पर हमें और आपको अमल करने की। दोस्तों दामने वक्त में मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, सूफिया इकराम बैठे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, अगर सूफिया इकराम के नक्शे कदम पर आपको चलना है, आपको भी सूफिया इकराम को अपना आइडियल बनाना है, तो एक बात याद कर लीजिए, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जन्नत की राह तू कभी पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जन्नत की राह तू कभी पाया न जाएगा। नेज़े पर चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। नेज़े पर चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। ऐसे रंगे हैं सूफिया इकराम के रंग में, अब ये किसी से रंग छुड़ाया न जाएगा, अब ये किसी से रंग छुड़ाया न जाएगा। दोस्तों आइए बगैर किसी ताखीर और तमहीद के सूफिया इकराम के किरदार को, सूफिया इकराम ने किस तरीके से पूरी दुनिया में काम किया है, इन सारी चीजों को बयान करने के लिए बगैर किसी ताखीर के मैं आवाज दे रहा हूँ मोहतरमुल मकाम तकद्दस माब हबीबुर रहमान साहब, तब्दीक व तशरीफ ला रहे हैं, बगैर किसी ताखीर के 10 मिनट में खिताब करके आपका दिल शाद कर। मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बानी साहब का जिन्होंने तुराशुभ दौर के अंदर इतना मजबूत और मजबूत कदम उठाया, अल्लाह ताला उसको उनको इसकी जजा अता फरमाए। और जिस मकसद के वास्ते कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ, इतने बड़े काबिल बैठे हुए हैं उनके सामने मैं क्या अर्ज करूँ। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हज़रत ख्वाजा अली नवाज़ जिस मिशन को लेकर आए थे, इस गुमराही और दलालत के माहौल को उन्होंने अपने नूर से, अखलाकी ईमानी नूर से लोगों के दिलों को मुसख़र किया है। वो अखलाक और किरदार हमने अपने अंदर पैदा करना है, वो मोहब्बत पैदा करनी है, और उसी मोहब्बत के ज़रिए यहाँ के माहौल को बदलना है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ख्वाजा अली नवाज़ अलैहि रहमा, हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काके रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब इस बात का तहैया करके उठें कि हम अपने दिलों को खुलूस नियत से भरेंगे और दिलों से कदूरतों को दूर कर देंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करता हूँ रफाई साहब का जिन्होंने मुझे मधु किया। अस्सलाम वालेकुम।